हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमवान हैदराबाद। सो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। क्या हम आज की क्लास में जो समझेंगे जो सीखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4th क्वेश्चन में जाएंगे। सैम गोइंग वे जस्ट वैल्यूज चेंज, टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं, पर कंसंट्रेशन से समझिएगा ताकि हर चीज समझ में आए। कंसंट्रेशन चाहिए आप लोग। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन गिवन है वो 4x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x होल पावर 9। अब इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सपेंशन में टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कैसे, कौन सा टर्म? इस फॉर्मूले की मदद से हम जोड़ लेंगे। तो इस फॉर्मूला में आपके सामने ये है, वैल्यू सॉल्व करेंगे। आर का मान, आर की वैल्यू का कोई पता नहीं, आर ही आगे सॉल्व करेंगे। एन मींस एन की वैल्यू 9, आर कोई पता नहीं। ए मींस फर्स्ट टर्म जो है 4x² डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n माइनस आर। ठीक, सेकंड टर्म माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज डिफरेंस ऑफ बी सी।
के अब सिंपलीफाई करेंगे, यहां से r मिलेगा। और देखिए r नेगेटिव नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3r प्लस हो गया, 3r के साथ मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, फाइनली द वैल्यू ऑफ r इज 6। 3 का डबल रेटिंग को लग सकता है 6 टाइम्स। ओके अब क्या करना है, अब ये जो r की वैल्यू मिली है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, साफ करते हैं। सही बेटा, और आइए सिंपलीफाई करते हैं। सो प्रोडक्ट करेंगे r इक्वल्स टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन 1 जो है एज इट इज आई टी r प्लस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 9 एंड r 4 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 9 माइनस r माइनस 3 अपॉन 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r की जगह पे r की वैल्यू क्या मिली है 6 प्लस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 9 एंड 6 4 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 9 माइनस 6 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 6 x पावर 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके क्या हुआ, r की जगह पे r की वैल्यू आ गई है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब 6 प्लस 1 मीन 7। अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। ओके बच्चों बात समझ में आ रही है, सही है। 4 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 9 इज 6 माइनस करेंगे 3 इनटू नेगेटिव नंबर पे होल पावर, देखिए 6 इवन है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पावर 3 को भी है एंड 2 को भी देना है, x पावर 18 माइनस 3 6 का 18। ओके आप देखिए आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। सो साइड पे फिर से आ रहे हैं, 7 का इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन व्हिच ऑफ द 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 9 8 7 6 के नीचे 6 फैक्टोरियल मौजूद है डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 करेंगे 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है मल्टीप्लाई। अब 4 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 3 दोनों नंबर करते हैं तो उसका सेट करना पड़ेगा अपॉन में 3 पावर 3। ठीक, 3 पावर ऊपर 6 है, डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 है तो 2 पावर 6 में इसको को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट एक्स लिख रहा हूं ये हो जाएगा 64। समझ में आया, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x पावर 18 प्लस 8 माइनस कैंसिल हो जाएगा मींस x पावर रह जाएगा 0। सिंपलीफिकेशन समझ में आई बच्चों, क्लियर हो रहा है, फुली कंसंट्रेशन से समझे, यही मेन चीज है। सिंपलीफिकेशन कैसे हो रही है, ये थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया देन भी समझ ले, तो इसलिए कंसंट्रेशन समझे सिंपलीफिकेशन कैसे हो रही है बाद में पछताना ना पड़े। ओके देखिए 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में एक्स हो गया 9 8 7 3 फैक्टोरियल में 3 इनटू 2 इनटू 1 4 पावर 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 पावर 3 ऊपर 3 पावर 6 है 3 पावर 3 फिर से रहेगा 6 में पैसे में कैंसिल क्लियर अपॉन में 64 x पावर 0 मींस 1। ओके अब देखते जाइए 3 का टेबल 9 को 3 टाइम 2 का टेबल 8 को 4 टाइम सही 4 का टेबल लग सकता है 64 को 16 टाइम 4 का टेबल 16 को लग सकता है 4 टाइम 4 का टेबल लग सकता है 4 भी कैंसिल बात का था। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 3 पावर 3 27। ओके अब 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ भाई 28 27 के साथ 26
14 में 5 प्लस करेंगे 19। सही है, कैलकुलेटर यूज करें आप, कंफर्म कर सकते हैं। 2 8 10 16, 1 4 1 प्लस करेंगे 5। ओके, क्लियर। अब 6 ये हो जाएगा 15, 5 ऊपर चला गया 7, 756। तो ये है इस एक्सपेंशन जो क्वेश्चन गिवन था, उस एक्सपेंशन का जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो है 7th टर्म 756 x में x वेरिएबल मौजूद नहीं है। क्लियर बच्चों, समझ में चीज आई? चार पार्ट थे, ये लास्ट पार्ट था, चारों पार्ट हमने समझे क्लासेस में, इजीली मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है कंसंट्रेशन से पहले वीडियो को देखें एंड देन प्रैक्टिस करना। ऐसे प्रैक्टिस करें ताकि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, आप माइंड से साफ कर सकें, आंसर देख सकें। क्लियर है? कंसंट्रेशन से फुली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एंट्री टेस्ट में कंफ्यूजन नहीं। एंट्री टेस्ट बाहर कैसे नहीं आ रही, यहीं से यही प्रॉब्लम है। जस्ट आपको वहीं पर आपको माइंड पे प्रेशर आ जाता, तब तो आप पढ़ रहे होते पहले, अभी क्यों नहीं पढ़ रहे आप? अभी से स्टार्ट करें, पढ़ते जाए समझे, ताकि एंट्री टेस्ट में तकलीफ ना। ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो फाइनली आप लोग का फर्स्ट बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसको आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें सीखें टाइप में। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।